पिछले कई दिनों से कटिहार जिला के बारसोई अनुमंडल में बिजली की भारी कटौती के कारण और कहा जाए कि मैंने प्रशासनिक लापरवाही के कारण लोगों में काफ़ी क्षोभ था, रोष था। गर्मी का समय है और पटवन के लिए भी बिजली चाहिए, धान की रोपनी का समय है। तो मुखिया संघ के आह्वान पर ये 26 जुलाई को शांतिपूर्ण धरना का कार्यक्रम था वहाँ, और उसके पहले भी भाकपा माले विधायक दल के नेता और बलरामपुर से हमारे स्थानीय विधायक कॉमरेड महबूब आलम जी के जरिए भी प्रयास चल रहा था, और 22-23 जुलाई को सलमारी पावर ग्रिड के सामने धरना दिया गया। कई अधिकारियों से बातचीत करने के बाद बिजली में कुछ सुधार भी हुआ। तो ये 26 जुलाई को जो मुखिया संघ के आह्वान पर धरना था, अब लोग नारे लगा रहे थे लेकिन बिजली विभाग का कोई अधिकारी उनका मेमोरेंडम लेने के लिए नहीं आया, और जो है बाहर आने की मांग कर रहे थे कि एसडीओ साहब आ रहे हैं। और इसी में जो है कुछ लोगों का मैंने ये कहा जाए कि धैर्य मैंने चुकने लगा, तो बोले कि भाई उनको बाहर आना चाहिए। कुछ लोग दौड़े उनके कार्यालय के तरफ और पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें सोनू शाह जो सीए के स्टूडेंट थे, माणिकचंद शाह के बेटा, उनकी मौत हो गई, और खुर्शीद मोहम्मद खुर्शीद की मौत हुई इस गोली चलन में, और मोहम्मद नियाज को यहाँ गोली लगी। तो हम लोगों ने ये पाया या मृतकों के परिजनों ने बताया कि ये कहा जाए कि ठंडे दिमाग से की गई हत्या है, क्योंकि हमारे स्थानीय विधायक माननीय कॉमरेड महबूब आलम जी ने भी वहाँ के एसडीओ को सुबह में सूचना दी थी, डीएसपी को सूचना दी थी कि भारी तादाद में लोग जुटेंगे, और चूँकि भारी तादाद रहेगी कोई अनुशासित नेतृत्व नहीं है, इसलिए सुरक्षा का आप लोग प्रबंध कीजिए, मजिस्ट्रेट की बहाली हो। लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और जब ये हंगामा हुआ तो अचानक एसडीओ साहब प्रकट हुए और पुलिस फायरिंग हुई। अब ये है कि पुलिस फायरिंग अंतिम विकल्प होता है, वो अभी डांड से नीचे गोली चलाई जाती है। पुलिस फायरिंग के पहले जो है मान लीजिए चेतावनी दी जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप हट जाइए, पानी की बौछार की जाती है, अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठीचार्ज किया जाता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों की अनदेखी करके किसी तरह की कोई चेतावनी दिए बिना, और कहा जाए कि सीधे एकदम अंतिम विकल्प के तौर पर उन्होंने माने फायरिंग को चुना कि फायरिंग किया जाए, और वह भी डांड से नीचे नहीं, सोनी शाह को जो है कमर से नीचे नहीं, सोनू शाह को यहाँ मस्तक में गोली लगी। उनके भाई जो है मानदेय पर काम करते हैं बिजली विभाग में, मोनू कुमार, जब हंगामा हुआ तो उनकी माँ ने भेजा कि जाओ जाकर के भैया को बुला के लाओ, और ये लड़का गया वहाँ, पॉकेट में हाथ है, वहाँ खड़ा हुआ, फायरिंग हुई, यहाँ गोली लगी और जो है वो गिर पड़ा। इसके बाद खुर्शीद आलम को गोली लगी, वो उनकी मौत हो गई, न्याज को गोली लगी। तो जैसे डीएसपी साहब ठान कर आए थे एसडीओ साहब की जो है फायरिंग करनी है, लोगों को मारना है, अगर ऐसी बात नहीं होती तो जो एहतियात के तौर पर पुलिस फायरिंग के पहले जो भी प्रक्रिया चलती है, जिन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है पुलिस के जरिए, वो कुछ अपनाया जाता। तो हम लोग तो यही परिजनों का भी कहना था कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और हम लोगों ने कहा कि भाई एसडीओ साहब को बर्खास्त किया जाए, उन पर 302 का मुकदमा चले, और जो मृतक के परिजन हैं उनको 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जो घायल हैं न्याज उनके परिजन को इलाज बड़ी कठिनाई से चल रहा है, सिलीगुड़ी में तो कोमा में चले गए थे, किसी तरह से कल उन्होंने एक आँख खोला, तो उनके परिजन को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, और जो बिजली की आपूर्ति है उसको फिर से ठीक ठाक किया जाए, जो लोगों की ज़रूरत है उसको ध्यान में रख करके पर्याप्त बिजली दी जाए। अभी हम लोग कल आ रहे थे सब जांच पड़ताल करके, तो हम लोगों ने देखा डीएम साहब, कटिहार के डीएम का ये प्रेस बयान आया कि भीड़ में से ही किसी ने गोली चला दी,
गोली चलाई जिससे उनकी मौत हुई। उनका ये कही कि चौथा दलील है कि जो व्यक्ति गोली माने भीड़ से निकल कर के आया, सोनू शाह को गोली मारा, उस जगह पर पहले से खुर्शीद आलम की लाश गिर चुकी थी और ये जो दो लोगों को गोली लगी, सोनू शाह को और न्याज को, इसी व्यक्ति ने चलाया। तो हम लोगों ने भी वीडियो फुटेज देखा है, कहीं कोई उसके हाथ में माने कोई हथियार नहीं है, असलहा नहीं है, या इस ढंग से कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ी है, नया कहानी गढ़ रहे। तो नए संदर्भ में हम लोग मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो, ताकि जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये लोग कह रहे हैं कि रेंज नहीं था, यह पुलिस खड़ी है 3 नट राइफल लेकर के, उसका तो 1760 जो कहा जाए कि फीट जो है उसका ये रेंज होता है, गज 1760 गज जो है उसका रेंज होता है, और बहुत दूर नहीं है वहाँ से, वो माने जगह दूर नहीं है जहाँ उनकी लाश गिरी थी। तो हमारी ये मांग है कि इसकी न्यायिक जांच हो और मृतक के परिजनों को 1 सरकारी नौकरी, 20-20 लाख का मुआवजा और घायल को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। और हमारे साथी बोले भी इसको बिल्कुल बिल्कुल जिस ढंग की सिचुएशन है, हमारी जांच टीम वहाँ घटनास्थल पर भी गई थी, जो वीडियो फुटेज ये लोग जारी कर रहे हैं कि इसमें कोई व्यक्ति निकल के आ रहा है, जा रहा है, फिर भाग रहा है, तो हम लोग तो नहीं देख रहे हैं कहीं उसके हाथ में कोई हथियार है, कहीं कोई मैंने तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि उस तरह से हत्या की गई है, ये बाद में पहले का डीएम का एसपी का बयान देख लिया जाए, पहले का जो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले उन्होंने जो बयान जारी किया उनका बयान देखा जाए, वो पहले क्या बोल रहे थे, और अभी एसडीओ को डीएसपी को बचाने के लिए वो इस ढंग की मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। तो हम लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है, इसकी न्यायिक जांच हो, इसकी न्यायिक जांच हो। प्रशासन कहानी बना दिया बिल्कुल, और आपकी पार्टी सरकार को समर्थन दे रही है, देखिए स्ट्रेटजी का ये हम लोग का स्ट्रेटजी है, हम लोग सरकार में शामिल नहीं है, हम लोग सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, और हम लोग सरकार में इसीलिए नहीं शामिल हुए कि जो जनता के सवालों को लेकर के हम लोग 12 महीना 24 घंटा सड़क पर और सदन के अंदर लड़ते हैं, वो हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, हमारे जुबान पर तला लग जाएगा, और जनता हमारे लिए प्रधान है, हम उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे। तो हम लोगों ने तो कहा कि जो इन लोगों ने गलती किया और उसके बारे में तो बताया, और सरकार से मांग करते हैं, हम लोग तो ये यहाँ तक कहेंगे कि जो राजेश्वरी पांडे वो है, वो भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, भाजपा के एजेंडे पर जो काम समझा बुझा कर हो सकता है, किसी ने कोई समझाने का प्रयास नहीं किया, पहले से मजिस्ट्रेट की व्यवस्था नहीं, अब जो एसडीओ साहब जो है जिला प्रशासन मजिस्ट्रेट खोज रहे हैं कि किसके गले में जो है फांसी का फंदा डाल दिया जाए कि हमारे कहने पर गोली चली, लेकिन अब क्या होगा, अब तो मन आएगा छन करके कि कोई तैयार हुआ कि नहीं बलि का बकरा बनने के लिए, लेकिन एसडीओ साहब को तो पहले से एहतियात बरतना चाहिए था, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करनी चाहिए थी, हमारे माननीय विधायक कॉमरेड महबूब आलम ने भी सुबह में ही उनको चेतावनी दिया था कि जो लोग जुट रहे हैं, भारी तादाद में जुट रहे हैं बिजली को लेकर के, भारी आक्रोश है, वहीं क्या चारों तरफ माने बिजली की कटौती हो रही है, लोगों में गुस्सा है, हम लोग तो सरकार से कहेंगे कि इसको ठीक ठाक किया जाए, बिहार में जो सबसे माने महंगी बिजली मिलती है इसको भी नियंत्रित किया जाए, इसे भी कम किया जाए, बिल्कुल। अब तो जांच में जो आएगा तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात भी हम लोग बोलेंगे कि इसी बीच इनका बयान आया हमारे माननीय बिजली मंत्री जी का कि जो बदमाशी करेंगे तो गोली चलेगी, मैं समझता हूँ कि यह गैर जिम्मेदाराना बयान है, सरकार को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, इससे बीजेपी को माइलेज मिलता है, बीजेपी को माने फायदा होता है। एक साल सरकार के हो गए बने हुए महागठबंधन, अभी भी आप बीजेपी का आरोप लगा रहे हैं कि उनके सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, तो आप लोग समर्थन दे रहे हैं सरकार, एक साल में अभी तक ठीक नहीं हुआ। हम लोगों का काम है मांग करना, लड़ना सदन के अंदर सदन के बाहर, और हम लोग ये काम कर रहे हैं। उनका पूरा पूरा हाथ इसमें है, क्योंकि जो भीड़ था वहाँ, आक्रोशित भीड़ था, ऐसे उस भीड़ का नेतृत्व पॉलिटिकली
भाजपा संघ और लोजपा के जो पहले वहाँ के कैंडिडेट भी थी वो लोग कर रहे थे। ऐसे तो जनप्रतिनिधि मुखिया संघ के द्वारा यह आयोजन हुआ था और जो एक महीने से जो लोड शेडिंग का मामला और कम वोल्टेज का मामला था, जन आक्रोश था, उससे जो भारी गैदरिंग थी, तो वो भीड़ काफ़ी प्रशासन के बेरुखी के कारण काफ़ी उत्तेजित हो गई। और उसी समय एसडी जो हैं, एसडीओ हैं राजश्री पांडे आते हैं और आने के बाद जैसे बिजली ऑफिस में जाते हैं, उन्होंने जैसा कि लोग का कहना है वहाँ जो लोग थे उन्होंने फायरिंग करा दिया। फायरिंग दोनों तरफ से हुई है, एक तरफ से एसडीओ कार्यालय तरफ से और दूसरे तरफ बिजली ऑफिस के जो पोस्ट पर रहते हैं अधिक पुलिस प्रशासन के लोग, 1/4 का वहाँ रहता है ड्यूटी, उधर से भी दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। दोनों तरफ मतलब पुलिस की है, पुलिस की है, दोनों तरफ से फायरिंग, एसडीपीओ कार्यालय तरफ से भी और उधर से भी। और एसडीपीओ के आने के बाद फायरिंग हुई उनके कहने पर, ऐसा लोग कह रहे हैं। बहुत बड़ी भीड़ वहाँ तक नहीं गई थी, धरना स्थल वहाँ से 200 मीटर दूर था, वहाँ कुछ लोग ही गए थे और फायरिंग करा करके ब्लडेड मर्डर है। क्योंकि हमारा विधायक जो है वो हमारी पार्टी के वहाँ लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, हाईएस्ट रिकॉर्ड मत से उन्होंने जीत हासिल की है, तो उनको कटघरे में खड़ा करने के दृष्टिकोण से ये भाजपा संघ के द्वारा ये पूरा उत्तेजना पैदा करना, भीड़ को उत्तेजित करना, और राजश्री पांडे उसके तहत में एक कार्रवाई करके एक माहौल खराब करना बारसोई का ये कोशिश की गई है। पूरा राजनीतिक मामला है, ये गंभीर परिस्थिति वहाँ है। और इसलिए हम लोग जो मांग कर रहे हैं लगातार कि वो जो वीडियो फुटेज के द्वारा डीएम मिसगाइड करने में लगे हुए हैं, लीपापोती करने में लगे हुए हैं, वो वीडियो फुटेज आप लोग देखेंगे तो एक नौजवान उधर से ऐसे आता है और भीड़ की तरफ आता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई अति नहीं है, अगर कुछ लिए भी रहता कट्टा होता तो वो भी कुछ भी नहीं है। वो आता है इधर से और वो आता है इधर, उसी समय वहाँ एक आदमी गिरता है गोली लगने से, क्योंकि तो पुलिस की फायरिंग हो रही है तो वो गोली लगेगी तो गिरेगा, भीड़ में गिरा है और भगदड़ मचा। सिर्फ उसको आने का एक फुटेज दिखाते हैं कि इस लड़के ने वहाँ गोली मार दी, फिर यहाँ आके गोली मार दी। भीड़ में कोई आदमी गोली मार देगा तो भीड़ पकड़ के उसको पूछ नहीं देगा कि उसको जाने देगा। ये एकदम फॉल्स वीडियो है जिस पर आधारित ये बात कही जा रही है। इसलिए राजश्री पांडे जो एसडीओ हैं और वहाँ का जो डीएसपी है, इन दोनों को, चूँकि विधायक महबूब आलम ने पहले से आगाह किया था कि जितना भारी जन आक्रोश है उस आक्रोश के हिसाब से आपको वहाँ इंतजाम कर लेना है, लेकिन उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया और आकर फायरिंग करा करके माहौल वहाँ बारसोई के बिगाड़ने और महबूब आलम को लपेट लेने की कोशिश करने का हिसाब किताब लगाया। चूँकि ये सब भाजपा और संघ के इशारे पर कार्रवाई हुई है, तो हमारा ये मानना है कि जो हम लोग के फाइंडिंग टीम जो जांच दल गई वो समूचे में, चूँकि डीएम के बयान और परिस्थितियों के को देखते हुए न्यायिक जांच की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि न्यायिक जांच की मांग होने पर जज के नेतृत्व में जब जांच की मांग होगा तो स्वाभाविक तौर पे चीज़ें दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा और फिर उस जांच में जो बात आएगी उसके हिसाब से आप सजा दें अधिकारियों को। लेकिन तत्कालिक तौर पे एसडीओ और डीएसपी को मुअत्तल करके इस मांग को हम मुअत्तल करके जांच को आगे बढ़ाया जाए, जांच किया जाए और मुअत्तल करना सबसे पहला मांग है, क्योंकि जांच को प्रभावित ना करें, ये है हमारा। और टीम ने जो वहाँ महसूस किया, देखा और लोगों से बातचीत के बाद, तो एकदम वहाँ के प्रशासन दोषी है, वहाँ के प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम लोगों की जांच टीम की मांग है। पहली बात, प्रथम दृष्टया में अब जो है मनगढ़ंत या लीपापोती घटना की
लीपापोती करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए हम लोग इसको न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। न्यायिक जांच इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें थोड़ा पारदर्शी होने की संभावना है, नहीं तो उच्च स्तरीय जांच में वही लोग जांच करेंगे जो लोग खुद बोल रहे हैं कि ये हो गया है, पहले ही से ये कहानी गढ़ लिए हैं, तो उन लोगों के जरिए जांच करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि न्यायिक जांच हो। दूसरा तीसरा जो बात है कि हमारे वहाँ महबूब आलम वहाँ लंबे समय से विधायक रहे हैं, और लंबे समय से विधायक रहने के कारण जो वहाँ बार बार लोगों को लगता है, खास करके वहाँ के भाजपा के लोगों का, इस आंदोलन में भी कुछ वैसे लोग रहे हैं जो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से मामला को उझुरा दिया जाए, इसकी भी जांच हम लोगों ने मांग किया है। और ये लोग ओछी जो राजनीति कर रहे हैं महबूब आलम के साथ, ये ओछी राजनीति करना बंद करें। तीसरी चीज़ जो है मृतक परिवार हैं, मृतक परिवार को मुआवजा और उनके परिवार को ये नौकरी मिले, ये हम लोगों की मांग है। और वहाँ स्पष्ट है जो घटना है, वो जो धरना स्थल है, जो SDO ऑफिस और बिजली ऑफिस है, दोनों के दूरी और ये सब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, एक ही कैंपस है। कैंपस में केवल दीवार का असर है, और बिजली जहाँ अंदर थे, अंदर में जो लोग प्रदर्शनकारी पहुँचे हैं, कुछ तोड़फोड़ हुआ है, कुछ करकट का तोड़फोड़ हुआ है, वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा क्षति नहीं है। और अंदर में जिस तरह से गोली मारी गई है, एक अंदर उस कैंपस में गिरा हुआ था और एक आपका SDO ऑफिस के पास गिरा हुआ था, तो ये दोनों जगह जो है वो पुलिस के जद में है। इसलिए मान लिया जाए कि कोई असलहा लेकर के ये भीड़ में कोई गया, और वो जो वीडियो फुटेज जो जारी किया गया है उससे कोई स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए स्पष्ट प्रथम दृष्टया में यह स्पष्ट है कि पुलिस की गोली से ही मारे गए हैं लोग, और इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। ये केवल मनगढ़ंत कहानी बनाया जा रहा है अपने बचाव में। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो प्रशासन इस बात को छुपा रही है, ये वहाँ कोई मजिस्ट्रेट का बहाली नहीं किया गया था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मजिस्ट्रेट का बहाली नहीं करते हैं, काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं उन लोगों की बात सुनने के लिए, या उन लोगों के बात को पहुँचाने के लिए, उनके प्रतिनिधि मंडल को पदाधिकारियों तक पहुँचाने के लिए कोई उनका माध्यम नहीं था, और जो नेतृत्वकारी लोग थे उसमें कोई उस तरह से अनुशासित नेतृत्वकारी नहीं होने के कारण वो पूरे आंदोलन अराजक की स्थिति हो गई थी। तो वैसी स्थिति में जहाँ हमारे विधायक जहाँ आगाह किए थे, सचेत किए थे कि कोई इसका कोई और छोर वाले नहीं है, और वहाँ 50 सालों से आंदोलन का जो एक परंपरा रही है, जो एक आंदोलन का अनुशासित आंदोलन का भाकपा माले के द्वारा या हमारे महबूब साहब के द्वारा एक जो रहा है, तो उस वजह से एक अनुशासित आंदोलन रहा है। और जो लोग बात किए हैं, लाखों लोग जुटे हैं, हजारों लोग जुटे हैं, 10,000 का प्रदर्शन हुआ है, लेकिन फिर भी अनुशासित रहे, तो एक प्रशासन के अंदर एक जो निश्चिंतता थी वह भी एक कारण हुआ है कि ये जो आक्रोश पनपा और उसको समेटने का, उससे बात करने का। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन के द्वारा कोई बात नहीं किया गया, बात कर लिया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। तो इसलिए इसमें शुरू से ही अंत तक प्रशासन का दोष है, और इसमें कोई लीपापोती के सवाल नहीं बनता है। इसलिए हम लोगों का फैक्ट फाइंडिंग टीम ने स्पष्ट माना कि इसमें प्रशासन का दोष है, और इसको यदि उधर से बचाव में कुछ कर रहे हैं, हम लोगों का ये आशंका कि ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी, चूंकि DM जब चाह लेंगे तो वहाँ की किसकी हिम्मत है कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को उनके खिलाफ दे दें, इसलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदल सकते हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से कि वहाँ एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और उन लोगों पर कार्रवाई। अगर वीडियो पसंद आई
अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।